हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग के डिमांड पे आज BSPSL के संपूर्ण सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सिलेबस बता दीजिए, सिलेबस इसका क्या है और क्या क्या पूछता है। तो चलिए इसमें बात करेंगे, पूरा जो भी सिलेबस है BSPSL ITI लेवल पोस्ट का उस पर बात करेंगे। तो देखिए, जो भी इसका ITI पोस्ट का सिलेबस है, ITI पोस्ट का दो पार्ट में विभाजित है। एक पार्ट आपका है टेक्निकल क्वेश्चन और एक ठो है नॉन टेक्निकल। मतलब एक ठो जो भी आपका ITI सिलेबस है, 2 वर्षीय सिलेबस, उससे करीब 16-17 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक है आपका नॉन टेक्निकल, जो सभी एग्जाम में जनरल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आपको यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन का। तो टेक्निकल प्रश्न आपके 50 नंबर होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं, जिसमें से 50 में से देखिए आपका करीब 45+5, मतलब कि 45 क्वेश्चन आपका टेक्निकल पूर्ण रूप से होता है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए 17 टॉपिक, 17 या 18 टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में। तो उसको भी दिखाया गया है पिछले वीडियो में, उसको आपको भेज दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पे भी आपको दे दिया जाएगा। और 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन बेसिक जो होता है, बेसिक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से होता है। बेसिक मतलब बेसिक ज्ञान होना चाहिए, जैसे ओम नियम हो गया, किरचॉप लॉ हो गया, ये सब मतलब जो भी होते हैं जनरल क्वेश्चन, उससे 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी 45 क्वेश्चन पूर्ण रूप से टेक्निकल, जिसमें से 12 से 15 आपका नोमेरिकल टाइप का होता है क्वेश्चन, जो करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो 12 से 15 क्वेश्चन इसमें नोमेरिकल होते हैं। तो अगर जो भी पहले से तैयारी कर रहे हैं टेक्निकल की, उनका तो तैयारी ठीक ठाक हो गया होगा अभी, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी शुरू कर दें, जो टेक्निकल में रुचि रखते हैं, जो टेक्निकल एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं या टेक्निकल जॉब करना चाहते हैं, तो बिल्कुल तैयारी शुरू कर दें। और इसमें जो भी 50 मार्क्स हैं और जिनकी अच्छी खासी तैयारी है, उनका तो इसमें करीब 30+ आएगा मान के चलिए। जिनकी मीडियम है उनका 20, और जिनका लो है तो 10, 12 से 15 मार्क्स तो उनका भी आ जाएगा। तो इसमें अगर एवरेज कैंडिडेट अगर 15 नंबर लाते हैं, एवरेज कैंडिडेट 15, और मीडियम जो भी कैंडिडेट हैं वो 20 नंबर लाते हैं मान के चलिए 50 में, तो इधर से आपका मान के चलिए 20 से 25 नंबर, 20 से 25 मार्क्स तो लाना ज़रूरी होगा आपको 50 मार्क्स में टेक्निकल में। और बाकी जो भी तैयारी कर रहे होंगे, तो जो नॉन टेक्निकल का सिलेबस है आपका, नॉन टेक्निकल में आपका हिंदी है, इंग्लिश है, GK है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है। तो इसमें देखिए, इसमें हिंदी एक हो गया, हिंदी हिंदी हो गया, और एक हो गया GK और एक हो गया रीजनिंग। ये तीन जो पोर्शन है, ये तीनों में करीब 30 नंबर हो गया। तो 30 में से कोई भी अगर साधारण जो भी स्टूडेंट होंगे, 30 में से कम वो 25 आराम से कर सकते हैं। 25 मान के चलिए, 20 20 मान के चलिए, जो भी होगा 30 में से। क्योंकि देखिए, हिंदी बिल्कुल नॉर्मल 10th लेवल के होता है, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, काल हो गया, मतलब शुद्ध अशुद्ध जो सेंटेंस होते हैं वो हो गया, विलोम शब्द हो गया, यही सब रहता है एक है क्वेश्चन। और बाकी GK नॉर्मल होते हैं, 1-2 करेंट अफेयर, और बाकी नॉर्मल GK। और रीजनिंग तो एकदम नॉर्मल होते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट इसमें 1-2 हो गया, मतलब यही सब, कोडिंग डिकोडिंग यही सब। रीजनिंग और GK और हिंदी नॉर्मल होते हैं बिल्कुल, 30 नंबर नॉर्मल हो गया। बाकी 15 नंबर का जो कंप्यूटर है, ये तो पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़िएगा तभी होगा। तो 15 में अगर आप 10 नंबर भी कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा है। और इंग्लिश में तो किसी का कहना नहीं है, किसी का सही होगा, किसी का गलत होगा, क्योंकि इंग्लिश की तैयारी बहुत कम लोग करते हैं, जो SSC की तैयारी कर रहे हैं वही अंग्रेजी की तैयारी करते हैं। तो 15 में आपका 10 नंबर हो गया यहाँ पे, और इधर हो गया आपका 20 नंबर। तो इसमें भी आप 30 नंबर लेके आ सकते हैं 50 में, उधर से 50
50 से आपका कम से कम में 30 उधर से है, अगर अधिक से अधिक लाए तो काफ़ी अच्छा है, तो कम से कम 30 नंबर। और जो नॉन टेक्निकल है, जो टेक्निकल यहाँ पे है 50 में, तो 50 में कम से कम आपको यहाँ पे 25 नंबर लाना पड़ेगा, तो टोटल आपका नंबर 55 बनेगा। तो कम से कम 55 मार्क्स में सिलेक्शन आपका हो सकता है, बिल्कुल, मतलब एक कम लो मार्क्स है, इससे अधिक भी दो चार नंबर आप ला सकते हैं, इंग्लिश के कर सकते हैं आप, जीके जीएस में भी कर सकते हैं, तो 5 नंबर यहाँ से और बढ़ जाएगा आपका, इंग्लिश और जीके जीएस जो भी है उससे एक दो नंबर लेके, तो आपका टोटल क्या हो जाएगा, आपका 60 नंबर हो जाएगा। तो 60 नंबर में बिल्कुल आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि पिछला बार जनरल का कट ऑफ कितना गया था, जनरल का पिछला बार जनरल का 58 और ओबीसी का 56, तो इस बार भी कट ऑफ इसी के आसपास अराउंड रहेगा, मतलब 55 नहीं कर सकते हैं, 55 मान के चलिए 58 से 62-63 यही कट ऑफ रहेगा। तो कम से कम आपको 60 नंबर ज़रूर लाना है, कम से कम में 60-65 के आसपास अगर आप नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो टेक्निकल है उसको कवर ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब की तैयारी सभी की रहती है, जो नॉन टेक्निकल है ये तो सब लोग पढ़ते हैं, तो इसकी तैयारी सभी के पास है, और बाकी जो नॉन टेक्निकल है उसका तैयारी आपको करना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा, तो उसमें कम से कम 30 नंबर लाते हैं तो काफ़ी अच्छा आपका नंबर हो जाएगा। तो बिल्कुल नॉन टेक्निकल आपको जो भी टेक्निकल आपका आईटीआई का जो सिलेबस है 17-18 जो टॉपिक दिया हुआ है उसको पढ़ना पड़ेगा, तभी उसमें होगा, तो ऐसे कोई चांस नहीं है। क्योंकि देखिए ये जो पांचों सिलेबस है इस सभी एग्जाम में कम बेसी पूछे जाते हैं, तो सभी लोग के दिमाग में रहता है, ठीक, जो टेक्निकल वाले नहीं होते हैं उनके दिमाग में भी रहता है, नॉन टेक और टेक्निकल वाले जो हैं इसमें अच्छा करना होगा 50 में, तो आपका 60 से 65 मार्क्स बनेगा, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी वाले 60 से नीचे भी रहेंगे तो चलेगा, उनका भी हो जाएगा। तो यही इसका सिलेबस है, और बाकी 17-18 टॉपिक है वो आपको दे दिया जाएगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। बाकी जिनका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, जैसे अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम है, जिनका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है और जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वो पूरे अच्छे से करें, जब भी इसकी वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी कब आएगी बहुत से कमेंट आ रहे थे, तो वैकेंसी जब तक इसका टेंडर नहीं होगा, टेंडर अभी नहीं हुआ है, टेंडर आपका कैंसिल हो गया, आपको पता होगा 2 बार इसका टेंडर कैंसिल हुआ है, तो जब तक इसका टेंडर जारी नहीं होगा एग्ज़ाम लेने का, तब तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।